मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल ही गया होगा कि सीरियसली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर भी मैं आई हूँ किसी काम से। काम क्या है क्या बताना, बस काम उनको लग रहा है कि मैं ऐसे ही जान बुझ के यहाँ रुकने के लिए कर रही हूँ। आया पॉजिटिव, पॉजिटिव ना आए, अगर आता है बाई चांस तो अपने आप को क्वालिफाई कर देंगे। तो वहाँ से हम अभी निकल चुके हैं बैंक का काम करके और कुछ खा पी के निकल गए हैं, क्योंकि मैं बिना मतलब हल्का फुल्का खाया था और अभी ये दिन का टाइम है, लंच का टाइम था, इसलिए मैंने बाहर ही खा लिया। भूख लगी थी और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपने इन शॉर्ट में देखा ही होगा, आपको फेस से लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैं शो नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सब चीज़ें ही शेयर करनी होती है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जाना तो घर था वापस नजफ़गढ़, लेकिन मैं अभी नहीं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं पहले घर जा रही हूँ अपने मायके, थोड़ा रेस्ट करके दवाई लेके ही मैं निकलूँगी। सो मैं आ गई हूँ अभी घर पर अपने मायके और मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँगी। पतिदेव भी नहीं आएंगे लेने के लिए क्योंकि वो रात को लेट हो जाएंगे, 11-12 बज जाएंगे उनको भी। और मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी। यहाँ से मुझे जाना है उत्तम नगर, उत्तम नगर से जाना है मुझे मेट्रो से घर, फिर वहाँ से फिर रिक्शा। यार हालत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर फीवर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बस कोविड ना हो। कोविड हो गया तो पूरा पिछले साल का ही जैसा सब कुछ याद आ जाता है। हाँ तो मम्मी बना रही है अभी अदरक वाली चाय, और मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल ही गया होगा कि सीरियसली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर भी मैं आई हूँ किसी काम से। काम क्या है क्या बताना, बस काम था इसलिए आई हूँ। फटाफट से यार चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, दवाई लेती हूँ। पैरासीटामोल मैंने सुबह भी लिया था, डी कोल्ड की गोली ली थी पर उससे मुझे कुछ आराम नहीं हुआ है। मैं लूँगी दोबारा से पैरासीटामोल, मेरा सर दर्द इतना हो रहा है ना, सर फट रहा है। उसके बाद मुझे जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बस मैं निकल जाऊँगी और जो भी है चीज़ें शेयर करूँगी। सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी मैं निकली थी, बैंक जाना था इसलिए, तो इसलिए मैं घर से ही नहीं बना पाई थी, शूट नहीं कर पाई थी। बाहर आके से मम्मी से मिली तभी शूट किया। और चलिए चाय वाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं थोड़ी देर में, बस आराम हो जाए, आंसू आ रहे मेरी आँख में। तो यहाँ ये मम्मी ने चाय वाय बना दी है, इसके साथ ये नमकीन अच्छी लगती है डाइट वाली, और ये बिस्किट। हो बस ठीक हो जाऊँ जल्दी से और फिर निकल जाऊँ, है ना मम्मी। मुझे अभी फटाफट से बस रिलीफ हो जाए फिर निकलना है और पहुँचना है। रास्ते में जो होगा तो मैं कैप्चर करूँगी, नहीं तो सीधा घर जाके ही करूँगी, इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहना। चलो चाय वाय पीते हैं। यहाँ मम्मी लगा रही है मुझे पट्टी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अंदर से इतनी ज़्यादा हीट थी ना कि बस कर नहीं सकती हूँ। मैं मेरा भाई कह रहा था कि जब तुझे पट्टी लग रही है तो तू ये भी शूट कर ले, क्योंकि ये चीज़ भी तू शेयर करेगी तो बस होना चाहिए कि शेयर कर रही है तो ये भी शेयर कर। उसने मजाक मजाक में ही मेरी ये वीडियो बना दी। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं डालूँगी, क्या दिखाना ये सब, लेकिन मैंने सोचा चलो शेयर करना ही है तो यार कर ही लेते हैं, क्या हो गया, जब बता रही हूँ कि तबीयत ख़राब है तो ये दिखाने में क्या है। तो यहाँ मम्मी मुझे ठंडी पट्टी लगा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, मैं फीवर है अंदर से मुझे, साथ ही साथ मुझे सर दर्द हो रहा था, जुखाम, गले में कफ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे ये टाइम पे क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। भगवान ऐसा दिन किसी के साथ ना आए जो
इतनी फैमिली में इतना कुछ हुआ, बहुत लंबी बात है। कभी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, कभी इसके लिए ही स्पेशली वीडियो बनाऊंगी कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। और ये अप्रैल का महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये था, मैं क्या बोलूँ। तो यही डर है मेरे अंदर कि ये बस जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, कोविड ना हो, क्योंकि कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज यूज़ करते रहिए, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हमने भी बहुत सेफ्टी रखी थी, फिर भी पता नहीं सबको कोविड हो गया था। और अभी बस मुझे ठीक होकर निकल, जा रही हूँ अब वापस ससुराल। पट्टी वट्टी लगा ली थी, तो पट्टी से थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिल गया है फीवर का। और बाकी कल टेस्ट कराएंगे, आरटीपीसीआर कराऊंगी। अगर ये अप्रैल का महीना जो है ये कोविड का चल रहा है, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए आरटीपीसीआर कराएंगे और देखेंगे क्या आता है। उसके बाद अगर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव ना आए, अगर आता है बाई चांस, तो अपने आप को क्वारंटाइन कर देंगे। तो चलिए, ये मेरा सामान है, कुछ निकलते हैं बाहर, आ गए हैं। और अंकल गाड़ी खड़ी करके जगह भी मिलती है, अंकल गली में बाहर ही जाते हैं, बाहर ही मिलते हैं। अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या होगा? जो भी होगा भाई, भगवान से बस ये है कि गॉड ब्लेस, कि ऐसा कुछ भी ना हो, कोविड ना हो, ये नॉर्मल फीवर हो और मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। और वीडियो लेट जा रही है, ये वाली वीडियो मैं पहले अपलोड करूँगी, जाओ देखो। इसके बाद जो आएगी, इसके बाद वाली वीडियो सोचूँ कि पहले मैं ये वाला